वन साइड 10 रुपीस हो जाए तो मेरी बिल्डिंग के जस्ट नीचे मतलब मेरे फ्लोर में फिफ्थ फ्लोर पे हूँ और सेकंड फ्लोर पे जो है ना चार जन जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसमें से एक जन तो हॉस्पिटलाइज है और तीन जन जो है वो घर ही होम आइसोलेशन में है। तो यार और उनको भी कब पता चला, वो एक वीक के बाद फिर टेस्टिंग हुई और फिर रिजल्ट आया। मतलब एक वीक लग जाता है, 10 दिन लग गए उनको ये चीज़ पता करते करते। इस बीच तो सोचो फिर जिसने लिफ्ट यूज़ किया होगा तो ऐसे ही स्प्रेड होता है ना, मतलब पता भी नहीं चलता वो किसको है किसको नहीं और स्प्रेड हो जाती चीज़ें। मैंने कल मेरे जो होम टाउन है वहाँ का वीडियो देखा, वीडियो कॉल किया था मैंने, यार लोग ऐसे ही घूम रहे थे जैसे कि मतलब कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना का डर ही नहीं है। और यही रीज़न है कि अब बिहार का जो जो फिगर्स है वो ड्रास्टिकली बढ़ते जा रहे हैं। सो प्लीज़ अगर ज़रूरत ना हो तो मत आप लोग घर से निकलो बाहर। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देखो मेरी ज़रूरत है आज, वैसे तो कोरोना के टाइम में वैसे ही लोग हॉस्पिटल जाना अवॉइड कर रहे हैं लेकिन मुझे आज हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। एक्चुअली कुछ दिन पहले जो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे नी पे थोड़ा सा चोट आ गया था, तो वो क्या हुआ ना वो चोट थोड़ा पेन कर रहा है। अब वो ठीक हो गया था प्रॉपर तरीके से बट पेन कर रहा है। तो लास्ट टाइम मैं डॉक्टर से मिला था तो उन्होंने बोला यार एक इंजेक्शन लेने के लिए, तो दैट इज़ समथिंग, वो विटामिन डी और ये सब का इंजेक्शन है, तो उसको लेने के लिए भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल जाना इज़ लाइक डर ही लग रहा है आज के डेट में, मतलब हॉस्पिटल जाना उसके बेड पे लेटना और इंजेक्शन लेना इट्स लाइक, लेकिन फिर भी क्या करें, लेना तो है ही, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेनी है वो तो जाएंगे ही, जो लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट हैं वो तो जाएंगी ही। बस इतना यार कि केयर प्रॉपर लेना पड़ेगा। जैसे मेरे घर में रूल है, अभी मेरे को हॉस्पिटल जाना था तो अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ। मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, यहाँ से प्रॉपर मेजर्स लेके रिटर्न आऊंगा, सारे कपड़े और ये सब कुछ सीधे जाएंगे जो है वो सैनिटाइज होने के लिए। मैं खुद जाऊंगा नहाने, उसके बाद ही जो है मतलब सीधे घर से बाहर जाओ और सीधे वॉशरूम में जाओ नहाओ, फिर ही घर के अंदर रूम के अंदर एंट्री मिलती है। तो चलते हैं यार मतलब हॉस्पिटल और देखते हैं यार। आज तो पूरा लॉकडाउन भी है बाहर, यहाँ पे भी पूरा लॉकडाउन हो चुका है मतलब 18 तारीख तक तो एटलीस्ट। तो देखते हैं यार बाहर का क्या माहौल है। वैसे कुछ होगा नहीं बिल्कुल एज यूजुअल सा, बहुत कम गाड़ियाँ चल रही, मुझे यहाँ से दिख भी रहा है, और फिर भी जाते हैं। होपफुली चीज़ें अच्छी हो और चीज़ें ठीक से हो जाए और मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना ना पड़े। ये भले छोटा सा ही काम है यार बट वायरल चीज़ें तो वायरल होती है यार, वहाँ पे कितने तरह के पेशेंट्स आते होंगे आई डोंट नो। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द डे। यार आज जो है मेरे को एक नया माउंट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो हेलमेट पे और जो कैप माउंट है ना वो यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल जाना है यार। इन माउंट्स में से मेरे को एक छोटा सा माउंट चाहिए, ये वाला लगेगा कैप के ऊपर। अब इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे गोप्रो माउंट होगा और फिर आएगा व्यू। स्टेयर कैसे ही जाना सेफ है यार, किस कहाँ पे क्या है पता नहीं, मैं तो टच भी नहीं करता इन सब चीज़ों को, बिल्कुल रेलिंग कैसे भी दूर होके ही चलता हूँ मैं। ना पड़ेगा हेलमेट लगाना इज अ मस्ट यार, मतलब कोई कुछ भी कर। और चलते हैं अभी यार, मुझे तो लगता है आज पुलिस रोकेगी ज़रूर कहीं ना कहीं। खैर मेरे पास हॉस्पिटल का जो है वो है क्या कहते हैं आपको, हॉस्पिटल की रसीट और जो भी प्रेस्क्रिप्शंस होते हैं ना वो सारे हैं मेरे पास। गेट पे देखो सैनिटाइजर रखा हुआ है यहाँ पे, और हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन हो गया तो गेट के अंदर किसी को भी आना अलाउड नहीं है अब, वो बिल्कुल ही खाली सा है। फिर भी सिर्फ आप देख सकते हो कि मेरे ख्याल से मेडिकल स्टोर्स जो है वो ओपन है और बस बाकी सारी चीज़ें बंद है बिल्कुल लॉकडाउन के लिए। नहीं है क्या पेट्रोल? नहीं है क्या पास सही है? ओके तो पेट्रोल के लिए पास सही है राइट। ये फिर दोबारा से जो लॉकडाउन वाला सिचुएशन था वही आ गया कि अभी पेट्रोल के लिए भी पास चाहिए। तो खैर यहाँ कल तक है लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, और अपन क्या करेंगे कि ये देखो बिना हेलमेट के भाई लोग यहाँ पे आराम से तो चलते विदाउट हेलमेट, पता नहीं क्या है, ना मास्क लगाया था उसने और ना हेलमेट पहना था, क्या ही बोलूँ मैं, समझना चाहिए लोगों को खुद। हमारे ये सफाई वाले भैया को देखो,
इन्होंने मास्क लगा रखा है, उन्होंने वो ग्लव्स भी पहन रखे हैं, और ये लोग पढ़े लिखे लोग जो हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यार इन्होंने नया नया रेस्टोरेंट खोला था, ये वन पैक डाउन, ये जब ओपन हुआ उस टाइम से ही लॉकडाउन, मतलब एक मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। अच्छा एम्बियंस था इसका भी, यहाँ का जो है ना वो पुलिस स्टेशन है, वो भी खाली, कोई चेकिंग भी नहीं करते। हम में लगे बहुत लोग, और ये आ गया हमारा हॉस्पिटल। राइट जाना है थोड़ा दूर रॉन्ग में, तो इंडिकेटर देखे और देखना पड़ेगा। ओके कोई नहीं है, यहाँ पे मैं पार्क करता हूँ अपनी गाड़ी। ये वाला हॉस्पिटल है ओलारिस हेल्थ केयर, इसमें ही जो है मैं ट्रीटमेंट ले रहा था। इंजेक्शन है ना, नहीं वो आप तो पहले लिख के देते हो ना कुछ, तो ये बस ये लेके जा रहा हूँ, ये रहने देता हूँ। Here I got my receipt. थैंक यू मैडम, फाइनली इंजेक्शन तो ले लिया मैंने। हॉस्पिटल आना इज़ लाइक बहुत टफ जॉब है, अभी के टाइम में इतना डर लगता है। आप देख रहे थे कितने सारे लोग थे यहाँ पे, और अभी के टाइम में मतलब हॉस्पिटल आना बिल्कुल सेफ नहीं, लेकिन जिसको ज़रूरत है वो आ ही रहे हैं। आप देखो हॉस्पिटल में मतलब यहाँ पे भी कितने सारे लोग थे, तो बस हाँ सेफ्टी मेजर्स खुद का तो लेना पड़ेगा। चलते हैं घर फटाफट से, कुछ सामान भी लेना है बीच में मुझे। आंटी देखो मस्त जा रहे हैं विदाउट हेलमेट, कोई टेंशन नहीं। अंकल ने तो मास्क भी नहीं पहना, अंकल नहीं है भाई है, जिस अंकल दिख रहा था मेरे को मास्क पहना है बट उसने हेलमेट नहीं लगा रखा। लगता है कुछ तो झगड़ा हुआ है यहाँ पे, रुका है गाड़ी। आज पंगा हुआ है तो यहाँ पे पंगा हुआ है, यहाँ पे ये गाड़ी ठुक गई है और ये दोनों लोग लड़ रहे हैं आपस में। ये गाड़ी का नंबर देख लो, MH3038924। अब ये अपनी गाड़ी छोड़ के ये हीरो उसकी गाड़ी लेके जा रहा है, देखो का हीरो लग रहा है ऐसा। मतलब आपस में ये लोग देख रहे हैं अब कि अब क्या करना है इन पंगे को। वो गाड़ी वाला अपने पे है और ये अपने पे है। नमाज लगाया आंटी ने बोला, उसने नमाज लगाया ना कुछ, वो चल रहा है। आंटी बोल रही उसका इतना फास्ट ड्राइव कर रहा था, उसका टायर क्यों फंस गया पूरा, और उसके बाद उसने स्कूटी पे ठोका है आंटी को। और आप भी तो हेलमेट पहनो भैया। भाई गलती मेरा नहीं है। अरे फिर भी किसी की गलती हो वो छोड़ो, लेकिन हेलमेट पहन लो यार। अरे क्या के लिए हेलमेट पहनना चाहिए, मेरा घर भी बाजू में। उसकी गलती थी वो, मैंने देखा उसकी गलती थी, वो बहुत फास्ट था। लेकिन किसी की भी गलती हो भैया अपनी हेलमेट तो अपने को चाहिए। चलो कोई नहीं,
बैंक इज ओपन, दूध मिलेगा या नहीं देखते हैं क्या अब यहाँ हमको। अच्छा भाई रास्ते से अच्छा, ओए मतलब लॉकडाउन में तो एकदम फ्री होके घूम रहे सभी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकान बंद है यार सारा का सारा, इधर आके देखते हैं यार सब बंद, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। ये वाला है दूध का दुकान, ये पुरोहित स्ट्रीट्स, और ये भी बंद है, वापस जाना पड़ेगा। ये गाय की बस है, अल्ट्रा होगी किसी कंपनी की बस, तो कुछ नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। ना दूध, दूध मेरे ख्याल से सुबह दूध का दुकान खुला रहेगा यार, अभी 1 बज रहा है तो आई गेस उसकी वजह से बंद हो गया होगा। चलते हैं घर वापस। किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं, कम तो नहीं। जय भगवान हनुमान जी, है ये मंदिर है हमारे सोसाइटी का। पहले लिफ्ट से ही आता जाता था, इससे यूज़ करता था, बट यार जब से अपनी बिल्डिंग में कोरोना निकला है मैं कुछ भी बाहर का टच नहीं करता हूँ। ये वही फ्लोर है, इसी फ्लोर पर से किसी, ये इस वाले में तो नहीं है मुझे पता है कंफर्म, इन तीनों में से ही कोई एक जो है कोरोना पॉजिटिव, 3 लोग हैं उसके अंदर। क्या कर सकते हैं यार, मतलब बेड्स भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो एक उनके घर का जो सीनियर सिटीजन है वो हॉस्पिटल में है, और बाकी 3 लोग होम आइसोलेशन में। बस ये प्रिस्क्रिप्शन था तो इसको मैं अभी अपन बालकनी में ही बाहर रख देंगे मिनिमम 24 आवर्स के लिए, फिर सैनिटाइज करेंगे। ये भी लेके गया था मैं, इसको भी बाहर ही रखेंगे, फिर वापस से 24 आवर्स के बाद सैनिटाइज करेंगे कुछ भी। ये कैमरा जो है इसको भी अपन अभी सैनिटाइज करेंगे पूरी तरह से, कैमरे को भी पूरी तरह से सैनिटाइज होना पड़ता है। बस हो गया, तो मेरा कैमरा अब सैनिटाइज हो चुका है, और अब मैं जो है सीधे जाऊंगा वॉशरूम और फ्रेशन अप होऊंगा, मैं खुद सैनिटाइज हो जाऊं, फिर बातें करते हैं। मुंह देखो कैसे रो रहा है, देखो अभी हंस गया, हंसने लगा, अभी रो रहा था अभी हंसने लगा, रो तो रो 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 रो, अभी तो रो रहे थे तुम, तुरंत हंसने कैसे लगे, नौटंकी बाज। देखो देखो भागा 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 भाग, क्या कर रहे तुम, क्या कर रहे हो तुम, हाँ खाना खा रहे हैं, लंच हो रहा है मेरा। ये मोबाइल देख रहे हो तुम, और मोबाइल देख के तुम कर क्या रहे हो, लंच हो रहा है मामा, लंच। मेरा चाय कहाँ है, वो तो तुम्हारा चाय, मेरा चाय कहाँ है, कहाँ मेरा चाय कहाँ है राजा, किचन में, इधर आओ वहाँ पे दिख रहा है मेरे को चाय, वो इधर आओ, ये रहा मेरा टी। कितना चाय पीना है तुमको, दो दो कप लेके बैठे हो तुम, हाँ ज्यादा बदमाशी नहीं हो रहा तुम्हारा, फिर नहीं नहीं देंगे हम अपने में से, क्यों दे तुमको, ज्यादा बदमाशी नहीं हो गया तुम्हारा, नहीं हम अपने में से नहीं देंगे, नहीं। अच्छा लो थोड़ा सा दे देते हैं, तुम्हारे चक्कर में जल्दी जल्दी पीना पड़ रहा है। आप लोगों ने देखा कि बाहर का सिचुएशन कैसा है, क्या है, और अभी के टाइम में जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ा उनके लिए कितने मुश्किल हालात हो जाते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हाइजीन मेंटेन करना। अब मैं ही जिस जो बेड पे सुला के उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, वो थोड़ी ना वो हर पेशेंट के बाद उनको उसको सैनिटाइज करते होंगे, तो ये सब चीज़ें तो होती रहती है, और सेल्फ जो प्रिकॉशंस हैं, जो प्रोडक्शन है, वो अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा हमें। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलता हूँ मैं फटाफट से आपको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।